सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हाँ, चोरी नहीं कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट पोस्टर एडिटिंग या कॉन्सेप्ट आर्ट। अगर आप लोग मनी हाइस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, यो बुढ़बा, अगर नहीं जानते होंगे तो काहे बनाएंगे रे पोस्टर। बात तो सही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे मनी हाइस्ट की पोस्टर एडिटिंग। मैं इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूं आप लोगों को, कैसे मैंने ये वाला पोस्टर बनाया है। तो इस वीडियो में जितने भी मनी हाइस्ट के लिए पीएनजी और बैकग्राउंड यूज किए गए उसको पोस्टर को बनाने में, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जाके आराम से वहां पे फ्री फंड में डाउनलोड करके अपनी कलाकृतियां बिखेर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट आर्ट को बनाने के पीछे क्या स्टोरी होनी चाहिए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पहले से जाननी होंगी, तो आप बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट आर्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई कार्ड में भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बकवास हो गई है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन में, इस बैकग्राउंड को ले आएंगे और फिर चलेंगे ऐड फोटो में, और वहाँ पर हमको ऐड करना है एक क्लाउन वाला पीएनजी। तो उसको पहले हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद उसको एडजस्ट कर लेंगे नीचे की तरफ और फिर से चलेंगे एडजस्ट वाले ऑप्शन में, और इसका एक्सपोजर हमको थोड़ा सा कम कर देना है, हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा कम कर देना है, और फिर इसको कर देना है डन। डन करने के बाद इसको थोड़ा सा हम डुप्लीकेट करके फ्लिप टू रोटेट करके इसे रोटेट करके दूसरी साइड कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम चलेंगे फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन में और वहाँ पर ऐड करेंगे हम अपने सब्जेक्ट को, मेन सब्जेक्ट को। तो ये मैंने अपनी फ़ोटो इस तरह खिंचवा ली थी, मैंने हाथ में एक कागज़ पकड़ रखा था कि एक थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि कैसे मास्क लगाना है। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, केवल ऐसे नॉर्मली पोज दीजिएगा, हाथ में कुछ मत पकड़िएगा। और फिर इसका एडजस्ट में जाके थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। ब्राइटनेस बढ़ा लेने के बाद इसको डन कर देंगे। डन कर देने के बाद अब चलेंगे ड्रॉ वाले टूल में और लगाएंगे हम मास्क। मास्क लगाने के लिए हम लोग फिर फोटो वाले में जाएंगे और फिर मास्क वाले पीएनजी को यहाँ पे ऐड करेंगे। मास्क वाले पीएनजी को ऐड करेंगे, यहाँ पे डन कर देंगे, और फिर जहाँ पे हम लोगों का हाथ है वहाँ पे अच्छे से इसको आप एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद ऊपर लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। मेक श्योर कि ये जो आपने मास्क ऐड कर रखा है नए लेयर में ऐड कर रखा हो। अब यहाँ से हम इरेजर वाले ऑप्शन में जाएंगे और जहाँ जहाँ पे हमारी उंगलियाँ इस मास्क के ऊपर यानी कि मास्क के नीचे आ रही हैं उसको हम जाके इरेज कर लेंगे। आप पहले वाला ब्रश सेलेक्ट करके इतना ये सब साइज़ रख लीजिएगा। इसको कर देंगे डन। डन करने के बाद अब हम चलेंगे जितना पार्ट हम लोगों का केवल उंगली वाला पार्ट है उसको हम इरेज कर लेंगे। जल्दी से कर लेते हैं। अब इसको इरेज कर लेने के बाद हम बनाएंगे शैडो उंगली के नीचे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लेयर वाले ऑप्शन में चलेंगे और इसकी ओपेसिटी जो हमने कम की थी इसको फुल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, शैडो बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे फिर से लेयर वाले ऑप्शन में और एक नया लेयर बनाएंगे, यानी कि एक नया लेयर बनाएंगे ऊपर की ओर, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे ब्रश वाले ऑप्शन में। ब्रश वाले ऑप्शन में पहला वाला हम लोगों को ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, और हाँ, ध्यान रहे कि कलर ब्लैक होना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और आपको इसका साइज़ दिखा देते हैं। साइज़ इसका इतना रख लीजिएगा, इसकी ओपेसिटी इतनी, और इसका हार्डनेस को बिल्कुल कम कर देंगे हम, ज़ीरो कर देंगे। इसको डन करने के बाद अब हम चलेंगे जितनी तरफ हमारी उंगलियाँ हैं वहाँ हल्का हल्का पेंट करेंगे, यानी उसके नीचे ये आना चाहिए। तो इसको हम जल्दी से पेंट कर लेते हैं। अब पेंट कर लेने के बाद जो पार्ट हमारी उंगलियों के ऊपर आ गया है उसको हम करेंगे इरेज। इरेज करने के लिए चलेंगे हम इरेजर वाले ऑप्शन पे, बगल में इरेजर वाला ऑप्शन है उसको हम टच कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो पार्ट हम लोगों की उंगली के ऊपर आ गया है ये ब्लैक वाला शैडो वाला, इसको हम कर लेंगे इरेज। इरेज कर लेने के बाद अब हमको क्या करना है, ऊपर से इसको डन कर देना है, फिर डिस्कार्ड, और हम लोगों की फ़ोटो बाहर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे पीएनजीज और ऐड करेंगे इसमें। इसके लिए हम लोग चलेंगे ऐड फोटो वाले ऑप्शन में। ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चल के अब हमको 3-4 पीएनजीज हैं उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उनका क्या करना है, एडजस्ट में जाके उनका एक्सपोजर कम करते रहना है। तो पहले इस वाले लाइट वाले पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे चल के हम इसकी सैचुरेशन एकदम जीरो कर देंगे ताकि ये जो लाइट जो थी ये वाइट हो जाए। अब इसका ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद जो पार्ट हम लोग के चेहरे पे आ रहा है उसको इरेज कर देंगे। इरेज कर देंगे। इरेज कर देने के बाद इसको डन कर देंगे। इसकी ओपेसिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसको कर देंगे डन।
डन करने के बाद अब हम चलेंगे ऐड फोटो वाले ऑप्शन में। ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चल के एक PNG लेके आएंगे उसका, फिर यानी कि ये जो पैसों वाला PNG इसको लेके आएंगे। एडजस्टमेंट में जाके इसका वो करेंगे एक्सपोजर कम और कई सारा डुप्लीकेट करके लगा देंगे। ऐसे ही 3-4 PNG और हैं, ये टेबल वाली PNG, इसको भी हमको सेम वही करना है। और फिर 2-3 PNGs और हैं जिनको हम लगाएंगे, एक के बाद एक लगाते जाएंगे और उनका एक्सपोजर कम करते जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएंगी। तो इतना सब कुछ लगा लेने के बाद ये जो मनी फॉलिंग वाली PNG है इसको भी हम लोग लगा लेंगे। एडजस्ट कर लेंगे आप अपने हिसाब से किस साइड में आपको अच्छा लग रहा है। और फिर इरेजर वाले पार्ट में जाके जितना पार्ट में के चेहरे पे आ रहा है उसको हम कर देंगे इरेज जल्दी से। तो इतना इरेज कर लेंगे। इसको इरेज करने के बाद आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसको इरेज कर लेने के बाद इसको हम कर देंगे डन। अब हम लगाएंगे एक लास्ट PNG, उसको ऐड फोटो में जाके ये वाली PNG लेकर आएंगे और इसको एकदम से जूम कर देंगे और इसी के बीच में हम लोग दिखें ऐसा लगाएंगे, ताकि एक 3D जूम इफेक्ट देता है जो देखने में अच्छा लग रहा है। और इसको कर देंगे डन। डन करने के बाद आप चाहें तो मनी हाइस्ट वाली टाइटल वाली PNG लगा सकते हैं। इतना हो जाने के बाद पिक्सआर्ट में हमारा काम खत्म और इसको हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अब हम चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में, वहाँ पर करेंगे कलर ग्रेड। तो अपनी फ़ोटो को इंपोर्ट करने के बाद अब हम चलेंगे यहाँ पे बेसिक एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर चलेंगे हम लाइट वाले ऑप्शन में, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, हाईलाइट को कर देंगे कम और वाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, साइडों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करेंगे। इतना हो जाने के बाद अब हम चलेंगे कलर वाले ऑप्शन में, वहाँ पर रेड की सैचुरेशन को बढ़ा के और ऑरेंज वाले का लुमिनास हम बढ़ा देंगे। उसके बाद हम चलेंगे वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे। वाइब्रेंस को बढ़ाने के बाद इसको हम कर देंगे डन। डन करने के बाद अब हम चलेंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, वहाँ पर थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी को बढ़ाएंगे। क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद इसका थोड़ा सा विनियट इसमें डालेंगे हम, ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा डालेंगे इसमें विनियट और इसको फिर कर देंगे डन। हमारी फ़ोटो हो चुकी है एकदम से कलर ग्रेड, उसको हम कर लेंगे शेयर। शेयर करने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हम लोगों की फोटो कॉन्सेप्ट आर्ट हो गया है तैयार। तो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इस वीडियो को थोड़ा सा पुश मिलेगा। तो कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा ये ट्यूटोरियल और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऐसे कॉन्टेंट और क्रिएटिव वीडियोज मिलते रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ। लेकिन रुक जाओ, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, आओ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया वीडियोस में बनाता रहता हूँ। साइनिंग ऑफ, चलो।